नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 8 जनवरी संडे यानी रविवार का दिन है। आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। आपका जन्मदिन बहुत ही यादगार जन्मदिन हो और साथ के साथ आपको नए साल 2023 की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपके पूरे परिवार के सदस्यों को। आप अपने जन्मदिन को एंजॉय कीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरा साल एंजॉय करें, आप पूरा साल खुश रहें, आप पूरा साल तरक्कियां पाएं। उसके लिए आपने एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है जो हम स्पेशली आपके लिए लेकर के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन के इस उपलक्ष्य पर। लेकिन आपने बड़ों का आशीर्वाद हर दिन लेना है। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों को प्यार, ये एक्टिविटी आपने हर दिन करते रहना है। इससे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत स्टेबिलिटी होगी और खुशियां भी आएंगी। सो बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, साथ के साथ इस उपाय को कीजिए। दलिया आपने थोड़ा सा दलिया लेना है, घर में बनवा लीजिए, किसी से भी, घर की महिलाओं से आप दलिया बनवाइए। और दलिया दूध से बनवाइएगा, दूध वाला दलिया, मीठा दलिया। ये बना करके आपने आज ज़रूरतमंद लोगों को दलिया ज़रूर बांटना है। और साथ के साथ, लेकिन उस दलिया को जब आप बना करके बांटने के लिए जा रहे हैं, तो पहले थोड़ा हिस्सा मात्रा निकाल लीजिए, उससे आप अपने भगवान को भोग ज़रूर लगाइए। और आपने स्वयं भी जो भोग लगा हुआ दलिया प्रसाद रूपी लेकर के खुद भी खाना है। गर्म कपड़ों का दान आप ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ अगर आप कुछ सहायता कर सकें, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की धन से भी सहायता कर सकें, तो आप कर सकते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना है। अपना सुरक्षित जन्मदिन रखिएगा, एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का खास करके ध्यान भी रखिएगा। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और छोटों को प्यार ज़रूर कीजिएगा। अब आती है बात ट्रांजिट यानी गोचर की। राशियों का हाल भी होगा, लकी अक्षर लकी विजेता भी होगा। सबसे पहले हाल ट्रांजिट का, गोचर का। सूर्य धनु राशि में रहेंगे, 24 डिग्री के हैं, रेट्रो बुध के साथ रहेंगे यानी वक्रीय बुध के साथ रहेंगे। चंद्रमा कर्क राशि में है, 8 डिग्री के हैं। मंगल 14 डिग्री के हैं, वृष राशि में है जो कि वक्रीय हैं। बुध धनु राशि में है और वक्रीय चल रहे हैं, 22 डिग्री के हैं, सूर्य के साथ हैं। गुरु 8 डिग्री के हैं, स्वराशि मीन राशि में है। शुक्र मकर राशि में है, 12 डिग्री के हैं, शनि के साथ रहेंगे। शनि मकर राशि में 29 डिग्री के हैं, 29 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ हैं। राहु मेष राशि में 17 डिग्री के हैं और केतु तुला राशि में 17 डिग्री के हैं। ये दोनों के दोनों वक्री अवस्था में ही हैं। कल है 9 जनवरी, कल का लकी अक्षर बताएंगे हम, थोड़ा सा इंतज़ार। लकी विजेता भी है, लेकिन पहले हाल आपकी राशियों का। पहली राशि मेष राशि, एरीज। कर्ज लेने से बचें। आज के दिन अगर कर्ज लेते हैं तो आपको चुकाने में दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों के साथ अपना रिश्ता, अपने संबंध मधुर बना करके रखें। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। आज किसी को भी धन उधार में ना दें। ज़्यादातर फैसले वैसे तो आपके हक में होंगे, लेकिन अपने धन का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी, अगर काफ़ी जो आपको समय से परेशानी चल रही थी, बात तो थोड़ी सी थी लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बनती जा रही थी, वो समस्या आज आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, यानी उस समस्या से बाहर निकलेंगे। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। परिवार को समय दें और परिवार को रिस्पेक्ट दें। रुके हुए ज़रूरी काम आपके पूरे होंगे। गुप्त लेन देन आज के दिन बिल्कुल ना करें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं। आज अचानक आपको कोई एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी यात्रा बेनिफिशियल रहेगी। बच्चों से बढ़ रही दूरियां आपकी समाप्त होंगी। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। सिंह राशि यानी लियो, अचानक धन आ सकता है आपके पास।
आज आप टेंशन फ्री रहेंगे, टेंशन से मुक्त रहेंगे। नया काम, कोई एक खास इम्पॉर्टेंट काम जिसे आपने बहुत समय से शिद्दत से चाहा है कि ऐसे कुछ काम मुझे मिले, तो ऐसा ही कुछ काम आज मिलने की संभावना है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं, समय का खास करके ध्यान रखें और अपने काम के साथ अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर कहीं भी चूक ना करें समय को लेकर के। पिताजी से दूरियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से उनसे बात करने की ज़रूरत है। नौकरी में वैसे उन्नति के योग है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आपके लकी विजेता की, जो कि आज के हमारे लकी विजेता हैं और लकी विजेता हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज कौन है हमारे लकी विजेता जिनकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी? आज के जो लकी विजेता हैं वो हैं हमारे नीलम पवन। इनकी जो डिटेल है 21/08/1985, 4 बजे का शाम का देहरादून का बर्थ है और इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया है, सिर्फ अपनी कुंडली डाली है। चलिए, धनु लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राशि बनती है आपकी तुला राशि। हम ये ज़रूर कह देंगे तुला राशि वाले हैं आप, तो खास करके आप जो मैंने न्यू ईयर की जो वीडियोस डाली हैं और उसमें तुला राशि का आप राशिफल 2023 का ज़रूर देख लीजिए, उसमें पूरे साल का लेखा जोखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है। आपकी अगर हमें इस समय की राशि के हिसाब से चलते हैं, करंट सिचुएशन की तरफ चलते हैं, धनु लग्न और आपकी जो राशि है वो तुला लिब्रा, लग्नेश आपका रेट्रो यानी वक्रीय चाल में है, शनि की महादशा शुक्र की अंतरदशा चल रही है और शुक्र में भी इस समय जो प्रयतंत्र चल रहा है वो केतु का है, जो कि अच्छा नहीं है। संभल करके चलने की ज़रूरत है, खास करके आपको मनी मैटर्स को लेकर के बहुत अटेंटिव होने की ज़रूरत है। इस समय हाथ में धन की तंगी काफ़ी रहती है, लेकिन पैसा भी इनका फंसा रहता है, थोड़ी सी उथल पुथल वाली ज़िंदगी इस समय रहती है। तो आप पूरे साल का तो खैर राशिफल देख लीजिएगा, उसमें एक छोटा सा उपाय, सुनैला रत्न या फिर पुखराज, ये रत्न आप आज के जो अगर आपने वीडियो ये देख ली है या देख रहे हैं, जब भी देखें तो उसके बाद आने वाला जो पहला शुक्ल पक्ष होगा, उस शुक्ल पक्ष के थर्सडे के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं रत्न को, और इसे गोल्ड में ही धारण कीजिए। और अगर आप सुनैला धारण कर रहे हैं तो उसे आप पंचधातु में भी धारण कर सकते हैं। दूसरा, आप बड़ों को डिसरेस्पेक्ट ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कॉन्फिडेंस रखें अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। मंदिर में हर थर्सडे को ज़रूर जाएं, भगवान का आशीर्वाद लें और साथ में पंडित जी पूजनीय ब्राह्मण जी हैं उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। इससे भी आपकी कुछ ग्रह भी शांत होंगे, प्लस आपके अंदर एक अलग एनर्जी भी आएगी। सो थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट की तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बहुत ही फैसले अगर आप ले रहे हैं, नहीं समझ में आता, कई बार हम स्वयं कुछ फैसले लेते हैं, तो बड़ों की सलाह ले लीजिएगा। हम जानते हैं कि हम लोग खुद इतने बड़े हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बड़ों की सलाह क्यों लें, लेकिन आपको नहीं मालूम कई बार किसी से भी कुछ भी गलती हो सकती है, तो बड़े आपको हमेशा सुरक्षित रखते हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा और उनके साथ अगर डिस्कस करके किसी भी फैसले को लेते हैं तो आप सुरक्षित भी रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। और आप हमारे यहाँ के लकी विजेता हैं आज के, और भी लोग लकी विजेता बने तो बहुत सारे लोगों को आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगली राशि तुला राशि लिब्रा की बात करते हैं। ससुराल वालों से संबंध आपने अच्छे बना करके रखने का प्रयास करें, धन कमाने के नए अवसर आपको मिलेंगे, अपना कार्य समय पर पूरा करने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। कुछ बातें आज के दिन नज़रअंदाज करने में ही आपकी भलाई है, आप बाहर के खाना खाने से आज के दिन परहेज करें, यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। घर आए हुए मेहमानों का निरादर ना करें, भाई बहनों का हक ना मरें,
अगर आप ड्राइव करते हैं तो गाड़ी संभाल करके चलाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं हैं। परिवार से संबंध पहले से बेहतर होंगे, लेकिन मित्रों से धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की बात करते हैं, अचानक आपके घर में आज मेहमान आ सकते हैं। लंबी यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पुराने किए हुए काम से अचानक आपको फायदा मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। अचानक धन मिलने के योग हैं। जीवन साथी के साथ यानी अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि नुकसान आप ही का हो सकता है। विदेश से अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कल है 9 जनवरी 2023 यानी नए साल का 9वां दिन, और 9 जनवरी है और सोमवार का दिन है। लकी अक्षर बनता है आपका त, तबीयत वाला त। त अक्षर आपने कल के दिन प्रयोग में लाना है। कागज ले लीजिए, सफेद फूलों का रस निकाल लीजिए और उस रस में कुछ बूंदे आपने इत्र की मिलानी है, उससे आपने इस अक्षर को लिखना है। और ये अक्षर जब कागज पर लिखना है तो दोनों हाथों में कागज को रखना है। कुछ समय तक अच्छी एनर्जी फील करनी है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, और उसके बाद आपने अपने काम पर निकल जाना है। दिन भर इस अक्षर को अपने साथ रखिए। शाम को सूर्य अस्त के बाद इस अक्षर को किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख सकते हैं। दिन आपका अच्छा होगा, आपके काम बनेंगे, एनर्जी अच्छी होगी। छोटा सा अक्षर है, देवी अक्षर है और बहुत ही आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। और हर सुबह हम 6 बजे राशिफल के साथ हाजिर होते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।